हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में इंग्लिश प्रोज में आपका थर्ड चैप्टर कंटिन्यू है, द सीक्रेट ऑफ द हेल्थ सक्सेस एंड पावर, रिटन बाय जेम्स एलन, जिसमें आपने काफ़ी हद तक पांच पार्ट पढ़ लिए थे। आज सिक्स पार्ट नंबर सिक्स चलेगा आपका यहाँ से। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल, हु हैज़ सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि वही खुद पर, वही किसी दूसरे पर कमांड या कंट्रोल कर सकता है, वही किसी दूसरे को सही रास्ता दिखा सकता है जो पहले स्वयं उस रास्ते पर चल चुका हो या सबसे पहले वो अपने आप को कंट्रोल कर चुका हो। कहने का ये सीधा तात्पर्य है कि जो काम स्वयं नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ना ही उसे प्रेरित कर सकते। तो सबसे पहले वो काम खुद करेगा, तब वो दूसरों को करने के लिए बताएगा। द हिस्टिकल द फियरफुल, द हिस्टिकल द फियरफुल डरावने थॉट्स एंड फ्रिबोलस का मतलब मजाकिया या भद्दे, लेट सच सीक कंपनी, जो लोग ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, या कभी कभी उन्हें किसी का सहारा नहीं मिलता है। बट द कॉम एंड फियरलेस, परंतु शांत, फियरलेस माने निर्भीक, और थॉटफुल चिंतनशील लोग, एंड ग्रेव लेट सच सी सॉलिट्यूड एंड फॉरेस्ट, ठीक है, हमेशा अच्छी जगह की तलाश करते हैं और शांति की तलाश करते हैं, वह शांति उन्हें फॉरेस्ट जंगलों में मिलती है, डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तानों में मिलती है, एंड माउंटेन टॉप पर्वतों की चोटियों पर मिलती है, एंड देयर पावर मोर पावर विल बी एडिट, और इतना ही नहीं बच्चों, इसमें और शक्ति और शक्ति और शक्ति समाहित हो जाती है, और शक्ति उसमें और प्राप्त हो जाती है, एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टन बाय साइकिक करेंट्स एंड वर्लपूल विच इनगल्फ मैनकाइंड, ठीक है, और वे और ज़्यादा सफल होते रहते हैं, उनके अंदर मानसिक करंट, मानसिक धारा प्रभावित होने लगती है, और वो और ज़्यादा सहायक या और ज़्यादा मैनकाइंड और ज़्यादा दयालु होने लगते हैं। उसके बाद ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट जो पढ़ाने जा रहा हूँ, पैशन इज़ नॉट पावर, वासना शक्ति नहीं है, इट इज़ अब्यूज़ ऑफ पावर, ये शक्ति की आलोचना है, शक्ति का बुरा रूप है, द डिस्पर्सन ऑफ पावर, शक्ति का बुरा रूप है। लोग कहते हैं कि वाइन पीकर बाइक या ड्राइविंग अच्छी, बाइकिंग या ड्राइविंग अच्छी होती, तो गलत बात है हमेशा, ठीक है, वाइन पीकर कुछ भी अच्छा नहीं होता, या कुछ भी नशा नशा करके कोई भी काम अच्छा नहीं होता। तो सीधी सी बात है यहाँ पे, पैशन इज़ नॉट पावर, वासना शक्ति नहीं, शक्ति की आलोचना है, शक्ति का बुरा रूप है। पैशन इज़ लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म, पैशन वासना एक भयानक तूफान है, विच बीट्स फियर्सली वाइल्ड अपॉन द बैटल रॉक, जो कि चट्टान पर, किसी चट्टान पर बहुत तेज़ी से लगती है लहरों की तरह थे। विल्स पावर इज लाइक रॉक, जबकि शक्ति है एक चट्टान का प्रारूप, या जो चट्टान है वो शक्ति का प्रारूप है, इट्सेल्फ रॉक इट्सेल्फ विथ रिमेन साइलेंट एंड अनमूव्ड इट ऑल, जो हमेशा किसी भी स्थिति में स्थायी रहती है। तो इस तरह से कभी लेखक बताता है कि वासना शक्ति नहीं, ये शक्ति का बुरा रूप है, जो हमेशा बुरे रूप से सामने आता है, समग्र आता है। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि अगर हम गुस्से में कोई काम करें या हम किसी गलत सोच से काम करें तो हमें केवल और केवल लास्ट में, अंत में पछताना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आज आपके सिक्स पार्ट हो गए, और या सेवन पार्ट हो गए, देखना बच्चों कौन सा पार्ट हुआ है, और एक दिन का और बचा हुआ है, वो कर लेना आप। संडे को 9th of August आपका टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट इंग्लिश का होगा बच्चों, जिसका सिलेबस है अभी जो चैप्टर करंट में चल रहा है, सीक्रेट ऑफ द हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ये तो होगा ही, साथ में पोएट्री में आपका लव एंड डेम्सन मर्सी और लेमेंट, दो चैप्टर, दो पोइम आपके पोएट्री सेक्शन के होंगे, लव एंड डेम्सन मर्सी और लेमेंट, और जो प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है ये
रोज का ये भी आपको मिलेगा टेस्ट में, अच्छे से कर लेना। 20 नंबर का एग्ज़ाम आएगा, अच्छे से करना बच्चों, ध्यान से पढ़ के। इसके लिए चाहे तो आपको वीडियो देखनी पड़े तो बार बार आप वीडियो देखकर वीडियो से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो देख लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।